चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स मैथ्स में ट्रिग्नोमेंट्री ट्रिग्नोमेंट्री के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं किस प्रकार से ट्रिग्नोमेंट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन ठीटा प्लस कॉस टू वन माइनस साइन तो हमें प्रूव करना है कितना बराबर जो है कि इतना होता है तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आइए करते हैं तो हम इसमें जो है कि एल एच के बराबर जो है कि आर एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर जो है कि राइट हैंड साइड ला देते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है तो हम लोग एल एच से करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में जो बड़े टर्म होते हैं उनको लेकर के हमें सॉल्व करना आसान होता है तो बड़े टर्म दे रखे ये वाले टर्म है तो एलेक्च से हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसा कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस टीटा ये और हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो हम इस इस ऊपर वाले ऊपर वाले साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस्ट क्यूब थीटा को हम लोग ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे तो यहां पे साइन थीटा प्लस थीटा और दो ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब यहां पर ऊपर और नीचे साइन थीटा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर है और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो ए टर्म जो है कि कैंसिल हो जाएंगे अब यहां पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा इनको कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे हम लोग जानते हैं ट्रिकोनमीट्रिक सोलशन क्या उन्हें पढ़ा था जिसमें साइन स्क्वायर हिटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्ल टू वन होता है तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे यानि कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन तो यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा तो इस प्रकार से हमने जो है कि एल एच एस लिया था और आरएचएस ला दिया तो ये जो है कि हम लोग लिखेंगे आर एच एस के बराबर हो गया तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है सेटा प्लस टेन थीटा इजक्वल टू पी तो हमें प्रूफ करना है साइन टीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन तो हम लोग इसमें आरेच्चेस लेंगे आरेच्चेस दिया है पी स्क्वायर माइनस वन अपान पी स्क्वायर प्लस वन तो हम यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे पी की वैल्यू दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस वन पी की वैल्यू यहाँ पे नीचे भी रखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस वन अब हमें ए प्लस बी के फॉर्मूले से इन्हें ओपन करना है तो ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू टेन थीटा सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू ए बी टू टेन थीटा प्लस वन अब हम लोग क्या करेंगे इनको सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन को एक साथ ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस वन को एक साथ ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पहले से रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टू टेन थीटा सेक अब हम लोग इनको करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएंगे 2 10 स्क्वायर थीटा 2 10 थीटा sec थीटा नीचे sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा 2 10 थीटा sec थीटा कॉमन हो जाएंगे 2 10 थीटा कॉमन हो जाएगा टी टू यहाँ भी टू यहाँ भी टेन टेन कॉमन हो जाएंगे यहाँ पे टेन थीटा प्लस थीटा नीचे से टू कॉमन हो जाएंगे तो बचेंगे थीटा थीटा प्लस अब यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर है और थीता, थीता टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा नीचे है तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म टू से टू कैंसिल हो जाएगा हम लोग इन्हें जो है कि ब्रेक कर लेंगे साइन ठीटा tan को ब्रेक कर देंगे साइन टीटा अपॉन कॉस्टा और कॉस को ब्रेक करेंगे वन अपॉन कॉस्टीटा में चेंज कर देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा साइन टीटा हो जाएगा यानी कि हमने आर एच से लेकर के सॉल्व किया तो हमने जो है कि लास्ट में साइन ठीटा ला दिया जो कि एल के बराबर है तो यहाँ पर हम लोग का हैंड प्रूव्ड हो जाता है और हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें साइन ट्वेंटी सेवन अपॉन का होल स्क्वायर स्क्सिक्री अपॉन साइन ट्वेंटी सेवन का होल स्क्वायर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर ट्वेंटी सेवन और जो है कि सिक्सटी थ्री ये दोनों जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो किसी एक इसी एक ट्रिगनोमेंट्री रेशियो को हम लोग जो है नाइनटी माइनस थीटा से हम लोग चेंज करते हैं तो यहां पे हो जाएगा ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस सिक्सटी करेंगे अपॉन कॉस रहेगा कॉस 63 डिग्री रहेगा प्लस फिर से हम ऊपर वाले को चेंज कर देंगे यहां पे किसी एक को चेंज करते किसी एक एक को रहने देते तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस कॉस 90 माइनस ट्वेंटी सेवन डिग्री अपॉन साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री का होल स्क्वायर है फिर यहां पर साइन नाइन्टी माइनस सीटा साइन नाइनटी माइनस सीटा हो जाता है कॉस शीटा यानी कॉस सिक्सटी थ्री डिग्री हो जाएगा अपॉन कॉस सिक्सटी थ्री डिग्री प्लस कॉस नाइन्टी माइनस ट्वेंटी सेवन डिग्री हो जाएगा साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री टो साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री अपॉन साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री का होल स्क्वायर अब ये दोनों जो है कॉस सिक्सटी थ्री और ये दोनों जो है कि सेम सेम है कट जाएंगे यहाँ पे वन हो जाएंगे ये कैंसिल ये आउट 27, 27, हो जाएंगे वन वन हो जाएंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस वन इज टू टू यानि कि इस क्वेश्चन का जो है कि सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू जो है कि टू होगी हम अलग क्वेश्चन चलेंगे जिसमें दे रखा है तो हम लोग एल एक्स एल एच से सॉल्व करेंगे हमें ऊपर टर्म देख दिख रहा है वन माइनस टेन स्क्वायर दे दिया है हम लोग क्या नीचे वाले को भी जो है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाले टर्म में चेंज कर सकते हैं हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो है कि कॉट स्क्वायर टीटा को हम लोग लिख लेंगे वन माइनस टेन टीटा इनका एलसीएम ले लेंगे तो जो है कि टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे जो है कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे वाला टेन स्क्वायर थीटा से सुपर चला जाएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर टीटा ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर टीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टीटा ये टेन स्क्वायर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे ये हमारा जो है कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी कि हमने एल एच एस से सोल्व करते करते ला दिया तो ये हमारा हैंस हो हैं जाता है अब अगला क्वेश्चन है जिसमें सेन थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करना है वन माइनस साइन टीटा अपॉन वन प्लस साइन टीटा तो फिर से हम लोग एल लेंगे जो हमारे बड़े टर्म रहते हैं उन्हें जो है कि लेंगे तो फिर ये जो है कि सेक टीटा माइनस टेन टीटा सेक टीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टीटा और साइन टेन टीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन टीटा अपॉन कॉस्टिटा का होल स्क्वायर है अब इनका जो है कि हम लोग एल्सियम लेंगे एल्सियम लेंगे तो जो है कि एल्सियम सेम है डिमोमीटर हमारा सेम है तो वन माइनस साइन ठीटा का अपॉन कॉसा का होल स्क्वायर हो जाएगा अब इन्हें जो है कि हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन वाले में चेंज करेंगे साइन के फॉर्मुले में चेंज करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस साइन टीटा का होल स्क्वायर ऊपर जब हम कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर तो इसे वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से चेंज करेंगे तो वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन ठीटा यहाँ पे एक ब्रैकेट वन माइनस साइन ठीटा से एक चिल जाएगा बच जाएगा वन माइनस साइन टीटा अपॉन वन प्लस जो कि आर एच एस के बराबर है अतः हम लोग यहां से बोलेंगे कि जो आर एच एस हैंस प्रूफ सॉल्व हो गए यानी कि प्रूफ हो गए अब अगला क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है जिसमें रूट के अंदर सेक थीटा माइनस वन अपॉन से रूट के अंदर सेक टीटा प्लस वन अपॉन सेक टीटा माइनस वन इक्वल टू टू को टीटा लाना है तो हम लोग एलएचएस से लेके सॉल्व करेंगे एलएचएस तो ऐसे क्वेश्चन जब रूट के अंदर दिए होते हैं तो हम लोग इन क्वेश्चनों का रेशनलाइज कर लेते हैं तो हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा सेक टीटा माइनस वन अपॉन सेक है तो यहाँ पे ऊपर नीचे नीचे प्लस है तो ऊपर जो है कि सेक टीटा माइनस वन अब पॉन सेक टीटा माइनस वन यानी कि जिनसे हम लोग रेशनलाइजेशन में जिसने जिसमें हम लोग ऊपर से करते हैं जिससे हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अब यहां पर है सेक टीटा प्लस वन सेक टीटा माइनस वन यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस कर देंगे से टीटा प्लस वन कर देंगे प्लस वन अब यहाँ यहां परिटा माइनस वन से माइनस वन यहाँ पे जो है कि से एक ठीटा माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएंगे रूट के अंदर अब यहाँ पे से एक प्लस वन सेठा माइनस वन तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ठिटा माइनस वन प्लस रूट के अंदर सेकटा प्लस वन है सेकटा प्लस वन है तो हो जाएगा सेक टीटा प्लस वन का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएंगे अब इन्हें हम लोग लिखते हैं नीचे वाले फॉर्मूले को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इजक्वल टू होता है टेन स्क्वायर टीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये है सेक टीटा प्लस वन का होल स्क्वायर नीचे वाले को हम लोग चेंज कर लेंगे ये जो है कि हो जाएगा टेन टीटा टेन स्क्वायर टीटा हो जाएगा अब हम लोग इन जो के रूट के बाहर निकालते हैं तो रूट के बाहर लाएंगे तो हो जाएगा सेक टीटा माइनस वन अपॉन टेन टीटा प्लस सेक टीटा प्लस वन अपॉन टेन अब हम लोग देख रहे हैं हम लोग का डिनोमिनेटर टर जो है कि टेन टीटा टेन टीटा सेम है तो हो जाएंगे माइनस वन प्लस सेक प्लस वन प्लस वन माइनस वन है प्लस वन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे टू सेक टीटा अपॉन टेन टीटा अब हम लोग क्या करेंगे इन्हें जो है कि टू अपॉन कॉस टीटा साइन थीटा अपॉन कौस से कॉस कॉस्ट कैंसिल हो जाएंगे क्या बचेंगे साइन थीटा नीचे है ऊपर जाएगा तो टू थीटा हो जाएगा तो इस प्रकार से अलच से सॉल्व करते करते हम लोग यह के आरच ला दिए इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगा हेन्स प्रोफे एचपी